तो आइडिया ये है कि अगर आप अपने प्रिपरेशन को इंटरव्यू प्रूफ बनाना चाहते हो कि हम अनिमेश की पहली कॉपी लेंगे जो उसने हमारे साथ लिखी, और अनिमेश की वो कॉपी जो वो एग्ज़ाम के जस्ट पहले लिख रहा था, और इनके बीच में क्या इम्प्रूवमेंट हुई है डिफरेंट स्टेजेस में, इनको हम समझेंगे। बट अभी भी आंसर कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, टॉपर लेवल पे नहीं पहुंचा, और बहुत सारे लोग जो आप वीडियो देख रहे हो आप यहीं पे अटके हुए हो। तो आपको भी इन स्टेजेस को पार करके टॉपर लेवल ऑफ आंसर यानी कि इस तरीके का आंसर लिखना पड़ता है। आपको फाइनली इस वाले पोजीशन पे पहुंचना है। आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मार्क्स GS1 और GS3 में बहुत कम, कि आपकी जो आंसर राइटिंग का रोड मैप होना चाहिए ना, वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। आप चाहो तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हो और मेंस में वही मिस्टेक्स को रिपीट करके एग्ज़ाम में रिजेक्ट हो सकते हो। लेकिन अगर आप मुझे अपने नेक्स्ट 20 मिनट्स दो, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी मेंस की आंसर कॉपी में ऐसा क्या इम्प्रूव करो जिससे आप वन ऑफ द टॉप स्कोरर बन सकते हो मेंस एग्ज़ाम में। समझने की बात ये है कि आंसर राइटिंग का एक रोड मैप होता है जहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेजेस पे इम्प्रूव करते करते टॉपर लेवल ऑफ आंसर राइटिंग पे पहुंचना होता है। आपको फाइनली इस लेवल पे पहुंचना है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ऐसा हो रहा है कि एस्पिरेंट्स इम्प्रूव तो कर रहे हैं बट बीच के किसी एक लेवल पे स्टक हो गए, एंड दे कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग एक्सपेक्टिंग द डिफरेंट रिजल्ट, जो कि कभी नहीं होने वाला। आपको हर समय अपने नेक्स्ट लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट को समझना होगा और फाइनली एक पीकेस्ट पोजीशन पे यानी कि टॉपर लेवल ऑफ आंसर राइटिंग पे पहुंचना होगा। इसको अनिमेश की मार्कशीट से समझते हैं। एक मार्कशीट दो चीज़ें बताती है, एस्पिरेंट को उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताती है विथ रिस्पेक्ट टू हिज परफॉर्मेंस इन प्रीवियस ईयर्स मेंस, और एक मेंटर को ये बताती है कि अगर मुझे इस एस्पिरेंट को टॉपर बनाना है तो मुझे इसके साथ किस एरिया पे फोकस करना होगा। आप अनिमेश की मार्कशीट देख के क्या इस मार्कशीट का सबसे इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट बता सकते हैं? अनिमेश के इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ 175 मार्क्स थे, विच इज़ वेरी एवरेज मार्क्स इन इंटरव्यू। अगर आप टॉप 10 में देखो तो लोगों ने 200 से ऊपर में स्कोर किया। इवन रैंक 55 ने 215 मार्क्स इंटरव्यू में स्कोर किए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर अनिमेश इंटरव्यू में 10 नंबर और भी कम पाता ना, तब भी ये टॉप 5 के अंदर रहता। इवन अनिमेश इंटरव्यू में 150 नंबर मिलाता, तब भी ये टॉप 11 में रहता। तो आइडिया ये है कि अगर आप अपने प्रिपरेशन को इंटरव्यू प्रूफ बनाना चाहते हो, अगर आपको इंटरव्यू का एक फियर है, तो आपको अपनी मेंस में अपने गेम को अप करना पड़ेगा। और मेंस का गेम अप करने के लिए आपको आंसर राइटिंग को बहुत इम्प्रूव करना होगा। इसको आज हम ऐसे समझेंगे कि हम अनिमेश की पहली कॉपी लेंगे जो उसने हमारे साथ लिखी, और अनिमेश की वो कॉपी जो वो एग्ज़ाम के जस्ट पहले लिख रहा था, और इनके बीच में क्या इम्प्रूवमेंट हुई है डिफरेंट स्टेजेस में, इनको हम समझेंगे। और आप इससे ये पता कर सकते हैं कि आप किस स्टेज पे फंसे हुए हैं और वही मिस्टेक्स बार बार रिपीट कर रहे हैं। सो लेट्स सी, ये अनिमेश की पहली कॉपी का स्क्रीनशॉट है। अनिमेश वाज अ पार्ट ऑफ आवर अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम, और वो समाचार मंथन के टेस्ट लिखता था। समाचार मंथन एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे आपको हर वीक 5 से 10 क्वेश्चंस लिखने ही होते हैं। ये अनिमेश की पहली कॉपी है जो उसने पहले वीक ऑफ प्रिपरेशन में लिखी थी, जहाँ पे एस्पिरेंट 6 महीने ले के अपने सिलेबस को एक बार पूरा रिवाइज करके पढ़ के तब जाके पहला आंसर लिखते हैं। अनिमेश डिड नॉट वेट दैट लॉन्ग। अनिमेश ने फर्स्ट वीक ऑफ प्रिपरेशन में ही अपनी कॉपी लिखी। अगर आप इस बात को समझो तो फर्स्ट वीक ऑफ प्रिपरेशन में जहाँ पे अभी उसकी NCERT भी अच्छे से कम्प्लीट नहीं हुई, अभी उसने स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी, उसने सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर और समाचार मंथन का कंटेंट पढ़ के अपना पहला आंसर लिखना ट्राई किया। अब आप इस आंसर को देखो, और आंसर को देखने से पहले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन की जो डिफ़िकल्टी है वो बहुत ही बेसिक लेवल की है, और क्वेश्चन एक डेफिनेशन बेस्ड और कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज मीन्ड बाई एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ये क्वेश्चन है,
और अनिमेश ने जो इंट्रोडक्शन लिखा है वो कंसेप्चुअली सही नहीं है। अगर आप देखोगे तो पहले वीक ऑफ आंसर में जो वो लिख रहा है वहाँ पे कंसेप्चुअल मिस्टेक है। आप अगर ये देखो तो इसके आंसर में प्रॉपर स्ट्रक्चर भी नहीं। ऑल्सो अनिमेश डिमांड को भी मिस कर रहा है और उसके पास इतना फॉर्डर मटेरियल नहीं है कि वो आंसर को कंप्लीट कर पाए। बट द पॉजिटिव थिंग हियर इज़ कि अनिमेश ने 6 महीने बिना वेट किए पहले हफ्ते में ही आंसर राइटिंग की जर्नी को स्टार्ट कर दिया। ये अनिमेश की दूसरी कॉपी का स्क्रीनशॉट है जो कि उसने मार्च 2022 में लिखा आफ्टर 1 मंथ। अगर आप इस कॉपी का स्क्रीनशॉट देखो तो आपको ये समझ में आएगा कि नाउ अनिमेश हैज एनफ मटेरियल टू फिनिश द आंसर एटलीस्ट। अभी तक अनिमेश की 2 महीने की तैयारी हो चुकी है, उसने एनसीईआरटी फिनिश कर ली, स्टैंडर्ड बुक की तरफ बढ़ चुका है, ऑल्सो उसके पास 1 से 1.5 महीने का करंट अफेयर्स प्रिपेयर है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन सेज क्रिटिकली एग्जामिन करके जब भी डायरेक्टिव आपके पास आता है आपको दोनों साइड ऑफ द आर्गुमेंट पे बात करनी होती है। द क्वेश्चन सेज कि क्रिटिकली एग्जामिन द न्यूली लॉन्च स्कीम, दैट इज कौन सी स्कीम, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि कैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को इंडिया के एक एज देगी। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। अगर आप ये समझने की कोशिश करो कि कोई भी स्कीम जब गवर्नमेंट लाती है वो 100% सॉल्यूशन नहीं होता, कुछ ना कुछ इनहेरिटेंट लिमिटेशन या चैलेंजेस या इश्यूज ज़रूर होते हैं। और जब भी आपके पास क्रिटिकली एग्जामिन करके ऐसा कोई क्वेश्चन आए आपको वो इनहेरिटेंट लिमिटेशन या चैलेंजेस ज़रूर अपने आंसर में लिखना होता है, और चैलेंजेस लिखने के बाद आपको तब जाके अपने आंसर में वे फॉरवर्ड देना होता है। तो अगर आप ये देखेंगे तो अनिमेश ने अपने आंसर में इंट्रोडक्शन को अच्छा कर लिया है पिछले 1 महीने में। अगर आप देखें तो क्वेश्चन की जो 2 कीवर्ड्स थे, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और सेमीकंडक्टर सेक्टर ऑफ इंडिया, तो इसने दोनों ही कीवर्ड्स को इंटरलिंक करके अपने इंट्रोडक्शन को फ्रेम किया, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप देखें तो अनिमेश का स्ट्रक्चर पहले से बेटर होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी इसकी जो हेडिंग्स हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। ऑल्सो आप देखें तो पॉइंट्स ये लिख तो रहा है लेकिन काफ़ी बड़े बड़े हैं, अभी आर्टिकुलेशन क्रिप्स नहीं हुआ है। ऑल्सो अगर आप देखें तो इसने फीचर्स लिखा, नीड ऑफ द स्कीम लिखा और वे फॉरवर्ड पे आ गया, इसने चैलेंजेस कहीं भी नहीं लिखे। यानी कि अभी 1 से 1.5 महीने की तैयारी में इसको डायरेक्टिव्स की उतनी अच्छी पकड़ नहीं बनी। ऑल्सो अगर आप बिना चैलेंजेस बताए वे फॉरवर्ड बताने लगे तो वो वेग लगने लगता है। सिमिलरली कि अगर मैं आपकी परेशानी को बिना जाने आपको ज्ञान देना शुरू करूं तो आप बोलोगे कि ये क्या बता रहे हो सर। तो सेम वे इवैल्यूएटर ने भी यहाँ वेग पॉइंट लिख दिया। तो 1.5 महीने में ये लेवल था आंसर राइटिंग का। दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी डिमांड भी मिस हो रही है, डायरेक्टिव्स की समझ नहीं है, बट ही हैज़ द एनफ फॉर्डर मटेरियल टू राइट द आंसर। Also, he has improved on his introduction. अब चलते हैं और अनिमेश की तीसरी कॉपीज का स्क्रीनशॉट देखते हैं जो कि इसने मई 2022 में लिखा है। अभी तक अनिमेश की 5 महीने की तैयारी हो चुकी है, एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है, बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स खत्म हो चुकी हैं, लगभग 5 महीने का करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो चुका है। अगर आप क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज व्हाट आर द रीजंस फॉर परसिस्टेंट इनफॉर्मेलिटी इन इंडिया। परसिस्टेंट इनफॉर्मेलिटी मतलब क्या, द क्वेश्चन इज आस्किंग कि इंडिया में इनफॉर्मल इकोनॉमी अभी तक परसिस्ट क्यों कर रही है, व्हाट आर द रीजंस। तो दिस इज द डिमांड वन ऑफ द क्वेश्चन एंड द थीम ऑफ द क्वेश्चन इज इनफॉर्मल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। दूसरा डिमांड क्या है कि आपको बताना है, सजेस्ट वेज टू इंश्योर द स्मूथ ट्रांजिशन टू फॉर्मेलिटी। This is the question. So demand 2 is this. अब पिछले 5 महीने में अनिमेश की आंसर राइटिंग में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो कौन से स्टेज पे गया है, ये समझते। अगर आप देखो तो इंट्रोडक्शन उसने पहले ही अच्छा कर लिया था, यहाँ पे भी उसने अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा है। अगर आप ये देखो तो उसने 2 डेटा दिए हुए हैं और दोनों डेटा का अच्छे से यूज करके एक अच्छा इंट्रोडक्शन क्राफ्ट किया। ऑल्सो अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर भी बेटर होता जा रहा है। अब उसने हेडिंग को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बना दिया है एंड हेडिंग रिफ्लेक्ट्स द
डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज डिमांड वन। अभी हेडिंग के अंदर अनिमेश पॉइंट्स लिख रहा है, यहाँ पे भी वो पॉइंट्स लिख रहा है, बट उसने सेकंड डिमांड अभी तक मीट नहीं किया, यानी कि उसके क्वेश्चन में अगेन डिमांड टू इज मिसिंग। समझने की बात ये है कि अनिमेश अपना इंट्रोडक्शन तो अच्छा कर लिया, स्ट्रक्चर भी अच्छा करता जा रहा है, बट क्वेश्चन के डिमांड को अभी तक वो प्रॉपरली समझ नहीं पा रहा। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद लिखना शुरू करते हो और लिखते लिखते सोचते हो, जो कि नहीं होना चाहिए। लिखते लिखते सोचने का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि आप लिखते जाओगे और जब तक आपको ये पता चलेगा कि डिमांड टू मिस हो रही है, तब तक आपकी पेज लिमिट और स्पेस लिमिट दोनों ही फिनिश हो चुकी होंगी। तो ये बात ध्यान रखने की है कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आप ब्रेनस्टॉर्म कर लो कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्या थीम है, स्ट्रक्चर कैसे होगा, जो कि अभी तक अनिमेश फिगर आउट नहीं कर पाया था इन दीज 5 months ऑफ प्रिपरेशन। अगर आप इस आंसर में और एक चीज़ देखें तो वो कि अनिमेश ने कंक्लूजन बेटर कर लिया। जहाँ पिछली कॉपी में अनिमेश ने अपना इंट्रोडक्शन अच्छा कर लिया था, अभी अनिमेश ने इंट्रोडक्शन के साथ साथ कंक्लूजन को भी बेटर कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कंक्लूजन में, तो कंक्लूजन में हिज कोटिंग गवर्नमेंट स्कीम एंड ऑल, ही इज नॉट सिंपली समराइजिंग इन द कंक्लूजन पार्ट। दूसरा अगर आप देखना चाहें तो अभी तक आर्टिकुलेशन बहुत क्रिस्प नहीं हुए, एक सिंगल पेज में ये 2.5 points ही लिख रहा है और एक पैराग्राफ के अंदर मल्टीपल आइडियाज़ दे रहा है। आप एक पैराग्राफ के अंदर मल्टीपल आइडियाज़ नहीं देखते। अगर आपको पॉइंट्स लिखने हैं तो 1 point मस्ट रिप्रेजेंट 1 single आइडिया। अगर आपको दूसरा आइडिया बताना है, दूसरे पॉइंट पे जाओ, फिर तीसरे पॉइंट पे जाओ, राइट? दिस इज़ हाउ यू राइट प्रिसाइज पॉइंट्स। तो अभी तक ये सारी चीज़ फिगर आउट नहीं हुई है, ओके? सो लेट्स से कि सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आंसर ऑफ अनिमेश, जो कि उसने नवंबर 2022 में लिखा था, जो कि उसने नवंबर 2022 में लिखा है। और अभी तक अनिमेश की NCERTs तो कंप्लीट हो ही चुकी थी, स्टैंडर्ड बुक्स का रिवीजन भी हो गया होगा और लगभग 10 महीने का करंट अफेयर तैयार है। अनिमेश की समझ भी अब बढ़ गई है विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चंस डिमांड एंड थीम। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें तो क्वेश्चन सेज इन द लाइट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल सेक्टर्स ड्यूरिंग पैंडमिक, मतलब पैंडमिक के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स का डिजिटाइजेशन हुआ है, डिस्कस The directive of the question is discuss the issues associated with the use of digital technology in judiciary. कि क्या issues हैं digital technology के judiciary के अंदर और way forward बताओ, suggest the way forward. यानी कि way forward is the second demand, issues are the first demand of the question. और theme of the question is digitization in all sectors and in judiciary too. अगर आप question देखो और आंसर पढ़ो अगर आप अनिमेश का, तो इंट्रोडक्शन इसने पहले से ही अच्छा करना शुरू कर दिया था, ऑल्सो कंक्लूजन भी इसने अच्छा करना शुरू कर दिया था पहले से। एक बात समझने की ये है कि अनिमेश प्रोग्रेसिवली इम्प्रूव कर रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा कि वो फॉल बैक कर जाए अपनी पुरानी मिस्टेक्स पे। अगर आप देखो तो इश्यूज़ यानी कि पहली डिमांड ये मीट कर रहा है, अगर आप देखो तो वे फॉरवर्ड भी सेकेंड डिमांड ये मीट कर रहा है, पॉइंट्स प्रिसाइज हो चुके हैं। अगर आप देखो तो आर्टिकुलेशन प्रिसाइज हो चुका है, डिमांड वन और डिमांड टू दोनों मीट हो रही हैं, बट अभी भी आंसर कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, टॉपर लेवल पे नहीं पहुंचा। और बहुत सारे लोग जो आप वीडियो देख रहे हो, आप यहीं पे अटके हुए हो। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन के कुछ माइनर डिमांड्स या नॉन कोर पार्ट भी हैं जिनको एड्रेस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि इन द लाइट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ ऑल सेक्टर्स ड्यूरिंग पैंडमिक, इस वाले पार्ट को एड्रेस करने के लिए आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाना होगा जहाँ पे आप ये बताओगे कि बाकी सारे सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल एजुकेशन में कैसे डिजिटाइजेशन हुआ है, फॉर एग्जांपल वर्चुअल क्लासरूम, फाइनेंशियल सेक्टर में कैसे डिजिटाइजेशन हुआ है, फॉर एग्जांपल ई पेमेंट्स एंड ऑल, हेल्थ सेक्टर में कैसे डिजिटाइजेशन हुआ है, फॉर एग्जांपल नेशनल हेल्थ डिजिटल मिशन। सो इस तरीके से आपको इस नॉन कोर वाले पार्ट को या माइनर डिमांड को भी एड्रेस करना है। दूसरा कि डिजिटाइजेशन के बहुत सारे एडवांटेज भी मिले होंगे जुडिशरी को, और जब भी डायरेक्टिव वर्ड आता है डिस्कस, तो भले डिमांड में इश्यूज पूछी गए हो पहले, आपको एक दो पॉइंट उसके एडवांटेज के जरूर लिखने हैं क्योंकि डायरेक्टिव लिखी हुई डिस्कस, ताकि आप अपने आंसर को ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बना सकें।
सो इस 10 महीने की तैयारी में ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली, ही वॉज एबल टू राइट द गुड इंट्रोडक्शन एंड गुड कंक्लूजन, पॉइंट्स भी प्रिसाइज हो रहे हैं, प्रॉपर डिमांड्स को एड्रेस कर रहा है, हेडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरीज है, बट आंसर कॉम्प्रिहेंसिव अभी तक नहीं हो पाया है क्योंकि नॉन कोर पार्ट्स या माइनर डिमांड्स अभी तक मीट नहीं हो पा रहे। सो इस सारी चीज़ों को आपको भी ध्यान रखना होगा, कहीं आप इस वाले पार्ट पे आके तो नहीं फंसे हो और इन छोटी छोटी डिटेल्स को नहीं समझ पा रहे। अब हम वो आंसर देखते हैं अनिमेश का जो वो एग्ज़ाम के जस्ट पहले लिख रहा था, यानी कि प्रिलिम्स क्लियर करने के बाद। अभी अनिमेश प्रिलिम्स क्लियर कर चुका है और वो फुल लेंथ लिखना शुरू कर दिया है, तो उस कॉपी में से एक स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पे लाया हूँ। अभी तक उसने अपने PYQs पे बहुत अच्छी ग्रिप बना चुकी है। जो भी पेपर हम प्रिलिम्स और मेंस के बीच में बनाते हैं, हमारी जो थीम्स होती हैं क्वेश्चन की, वो PYQs से इन्फ्लुएंस होती है, ताकि आपको रियल UPSC एग्ज़ाम का फील मिल सके। अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉरेनर्स लाइक एनी बेसेंट एंड चार्ल्स एंड्रयूज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंडियन कॉज ऑफ इंडिपेंडेंस, डिस्कस द रोल प्लेड बाई देम बोथ। ऐसा ही क्वेश्चन 2013 में आ चुका है, जहाँ पे पूछा था कि व्हाट आर द रोल ऑफ फॉरेनर्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, और हमने इस क्वेश्चन में दो फॉरेनर्स का नाम कोट करके डायरेक्टली उनके कॉन्ट्रीब्यूशन पूछ लिए। तो अनिमेश का आंसर देखते हैं कैसा लिखा हुआ है। अनिमेश ने एक अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, एनी बेसेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा, चार्ल्स एंड्रयूज का कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा, और अब ये बियॉन्ड द डिमांड जाके अदर फॉरेनर्स का भी कॉन्ट्रीब्यूशन लिख रहा है और तब जाके अपने आंसर को कंक्लूड कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा इस बात को समझें तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका अगर आपने पहले से नोट्स नहीं बनाया होगा तो आप नहीं लिख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, इतने सारे फॉरेनर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कोट करना, इट इज़ नॉट अ सिंपल टास्क। आप 9 या 11 मिनट में सोच के इतने सारे फॉरेनर्स का कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली नहीं लिख सकते, जब तक आपने अपने नोट्स को कंसोलिडेट नहीं किया हो पहले और आपने उनको बहुत बार रिवाइज नहीं किया हो। ये तभी हो सकता है जब आपने PYQs के ऊपर ढंग से ग्रिप बनाई हो, वो भी लास्ट से 11 साल के, तब जाके आप ऐसा आंसर लिख सकते हो। तो इससे पता चलता है कि अनिमेश ने ढंग से PYQs पे ग्रिप की और PYQ बेस्ड नोट्स बनाए हैं, जो कि मैं अपनी वीडियो में पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो अगर आपको भी अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना है, तो आपको भी इन स्टेजेस को पार करके टॉपर लेवल ऑफ आंसर, यानी कि इस तरीके का आंसर लिखना पड़ता। आपको फाइनली इस वाले पोजीशन पे पहुंचना है जहां पे आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, बॉडी इस तरीके से होनी चाहिए, और क्वेश्चन में कोई भी अगर माइनर डिमांड्स हैं, यानी कि नॉन कोर पार्ट हैं, उनको आप डायग्राम से एड्रेस करोगे और देन कंक्लूड करोगे विथ वैल्यू एडिशन। इंट्रोडक्शन 2 से 3 लेवल का होता है, जो मैंने अपने पहली वीडियोज में बता चुका हूँ, आप जाके उनको जरूर देखो। बॉडी में हेडिंग्स आप हमेशा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डालोगे, आर्टिकुलेशन हमेशा आप डायमेंशन, आर्गुमेंट और एग्जाम्पल के फॉर्मेट में लिखोगे। डायमेंशन क्या होता है, सब हेडिंग जो आप डालते हो, डायमेंशन को सपोर्ट करने के लिए आपको आर्गुमेंट देना है, और आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपको एग्जाम्पल देना है, और आपका सारा डायमेंशन जो है वो हेडिंग के साथ बैकिंग में होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि एस्पिरेंट्स पहले पॉइंट के कंटिन्यूएशन में दूसरा पॉइंट लिख रहे होते हैं और फिर दूसरे पॉइंट के कंटिन्यूएशन में तीसरा पॉइंट लिख रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप मेन डिमांड से डाइग्रेस कब हो जाओगे आपको खुद नहीं पता चलेगा और आपका आंसर जेनेरिक हो जाएगा। सो आप मेक श्योर करो कि आप इस फॉर्मेट को अपनाओ, ना कि इस फॉर्मेट को। ये बहुत ही डिटेलिंग वाली बात है, आपको ये इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। ऑल्सो सिमिलरली, अगर कोई दूसरी या तीसरी डिमांड है क्वेश्चन में, तो उसको भी आप ऐसे मीट करोगे। कोई भी नॉन कोर पार्ट है या आपको कोई माइनर डिमांड्स आ रही हैं, डू यूज़ द डायग्राम टू एड्रेस देम और अपना स्पेस मैनेजमेंट करो, और कंक्लूजन हमेशा समरी के साथ कुछ ना कुछ आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, राइट? तब जाके आपका कंक्लूजन में एक वेट आएगा। इस बार का रिजल्ट आने के बाद आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मार्क्स GS1 और GS3 में बहुत कम, एवरेज स्कोर अराउंड 80s में है। तो अभी हम ये देखने वाले हैं कि अनिमेश, जिसने GS1 में 109 नंबर पाए और GS3 में 103 नंबर पाए, यानी कि ये अपना स्कोर 100 से ऊपर ले जा पा रहा है उन सब्जेक्ट्स में जहाँ पे बाकी के पीयर्स
इसके 80s के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हम अनिमेश की कॉपी और एक दूसरे एस्पिरेंट की कॉपी को कंपेयर करके देखेंगे, जहां अनिमेश ने इन दोनों सब्जेक्ट्स में एबव 100 मार्क्स अचीव किए हैं, वाइल दूसरे एस्पिरेंट ने उन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स में 80s के अराउंड मार्क्स स्कोर किए। सो लेट्स सी। तो मैं एक आंसर ले रहा हूँ अनिमेश की कॉपी का और सेम आंसर ले रहा हूँ दूसरे एस्पिरेंट की कॉपी का। तो अगर आप देखें तो ये आंसर जो अनिमेश ने लिखा है और दूसरा आंसर अनिमेश के पीयर्स ने लिखा है। अगर आप अनिमेश का इंट्रोडक्शन देखें तो अनिमेश ने एक काफ़ी बेटर इंट्रोडक्शन लिखा है देन हिज पीयर्स। अगर आप देखें तो दूसरे लड़के ने जो इंट्रोडक्शन लिखा है उसमें इसने ये लिखा हुआ है कि फॉरेनर्स एसिमिलेटेड इनटू इंडियन सोसाइटी एंड प्लेड इंस्ट्रूमेंटल रोल इन इंडियाज इंडिपेंडेंस स्पेशली स्टवर्ड्स लाइक एनी बसंत एंड चार्ल्स एंड्रयूज। मैंने अपने आस्पिरेंट्स को जो हमारे साथ स्मैश मीन्स में जुड़े हुए हैं उनको कई बार समझाया है कि आपको ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक क्वेश्चन है कि डिस्कस द रोल ऑफ B.R. अंबेडकर इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। बहुत सारे एस्पिरेंट इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं कि B.R. अंबेडकर वॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी, ही प्लेड अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। मैंने कई बार मना किया है कि आपको इस तरीके से स्टार्ट नहीं करना है, आपको इंट्रोडक्शन में वेट देना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो कि B.R. अंबेडकर वॉज ए एजुकेशनिस्ट, ही वॉज ए पॉलिटिशियन, ही वॉज ए सोशल रिफॉर्मर हु वर्क फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ लोअर कास्ट, एंड देन आप लिख सकते हो कि ही प्लेड अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। इस तरीके से जब आप अपना आर्गुमेंट क्राफ्ट करते हो तो आपके इंट्रोडक्शन में एक वेट आता है। वही सिमिलर चीज़ आप अनिमेश की कॉपी में देख सकते हो कि यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि फॉरेनर्स हैव प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन पॉलिटिकल स्ट्रगल, सोशल इमेंसिपेशन, रिलीजियस रिफॉर्म एंड एक्सेट्रा। तो आपको अपने इंट्रोडक्शन में वेट डालना होगा, न कि आप सिंपली वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल ऐसा लेके आगे जा रहे, अंडरस्टैंड। दूसरा अगर आप देखोगे तो अनिमेश ने एक इसका जो स्पेस मैनेजमेंट है वो काफ़ी बेटर है, और यहाँ आप देखोगे तो स्पेस मैनेजमेंट इस लीनियर तरीके से लिखा हुआ है। दूसरा आपने देखोगे तो यहाँ पे ये लिख रहा है एनी बसंत रोल, जो एक क्लियर आइडिया दे रहा है कि एनी बसंत के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। वही आप अगर इसके पीयर की कॉपी देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एनी बसंत लिखा हुआ है। मैं ये आइडिया कन्वे करना चाहता हूँ कि आपको अपनी हेडिंग हमेशा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी देनी होगी। दूसरा आप देखो तो अनिमेश का जो आर्टिकुलेशन का तरीका है, अनिमेश पहले डायमेंशन देता है, फिर आर्गुमेंट देता है अपने डायमेंशन को सपोर्ट करने के लिए, और फिर एग्जाम्पल देता है अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए, और यही तरीका इसका लगातार चलता आ रहा है, ठीक है। वहीं आप अगर इसके पीयर्स की कॉपी देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर वे में आर्गुमेंट देते जा रहे हैं, जो तरीका सही नहीं है आर्टिकुलेशन का। आप देखो ये लीनियर वे में है, ठीक है। अगर आप इस लड़के की कॉपी का एक पॉइंट पढ़ के देखो तो ही हैज रिटेन एनी बसंत एस्टेब्लिश्ड होम रूल लीग अलॉन्ग विद द तिलक ड्यूरिंग द अनसर्टेन पीरियड, राइट। और वहीं अनिमेश क्या लिखता है कि होम रूल लीग अलॉन्ग विद पैरेलल टू तिलक फॉर डिमांड ऑफ सेल्फ रूल। यानी कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट को कोट कर रहा है, पर्पज नहीं बता रहा यहाँ पे कि होम रूल लीग किस पर्पज से इस्टेब्लिश किया गया, ताकि पर्पज बता के आप कॉन्ट्रीब्यूशन को हाईलाइट कर पाओ, जो कि अनिमेश ने यहाँ पे अच्छे से किया हुआ है। जब आपका आर्टिकुलेशन बेटर होता है तभी आप डिमांड को अच्छे तरीके से मीट कर पाते हो, अदरवाइज आप अपनी कॉपी में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट डाल रहे होते हो इस तरीके से, फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलते क्योंकि आपका आर्टिकुलेशन बेटर नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको हमेशा अपना आर्टिकुलेशन डायमेंशन, आर्गुमेंट और एग्जाम्पल के फॉर्मेट में डालना पड़ेगा, जहाँ पे आर्गुमेंट डायमेंशन को सपोर्ट करे और एग्जाम्पल आर्गुमेंट को सपोर्ट करे, और ये डायमेंशन सब हेडिंग के फॉर्म में हो। डायमेंशन जितना क्रिप्स होता है आर्गुमेंट उतना छोटा होता जाता है, अदरवाइज आपका डायमेंशन अगर क्लियर आइडिया प्रेजेंट नहीं करेगा तो आप बड़े बड़े आर्गुमेंट लिखोगे अपने आइडिया को कन्वे करने के लिए, और आपका आर्टिकुलेशन आपका पॉइंट बहुत बड़ा होता जाएगा, विच इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ राइटिंग पॉइंट्स, राइट। तो आपको ये बात समझनी होगी कि कैसे अनिमेश का आर्टिकुलेशन बेटर है, इंट्रोडक्शन बेटर है, ऑल्सो अनिमेश बियॉन्ड द डिमांड जा रहा। यहाँ पे ये एनी बसंत और चार्ल्स एंड्रयूज का कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा और कंक्लूड कर दिया, बट अनिमेश इज गोइंग बियॉन्ड द डिमांड, लुक हियर। यानी कि अनिमेश ने PYQ के बेस पे ढंग से नोट्स बनाए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन PYQ में आ चुका है 2013 में।
तो ये कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आर्टिकुलेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कंपेयर करके देखते हैं, ये भी हमारी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है और अनिमेश ने ये आंसर लिखा है और उसके पियर ने ऐसा आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है, एग्जामिन करो क्या सिमिलैरिटीज थी एंशियंट टाइम के गवर्नेंस सिस्टम में और मॉडर्न टाइम के गवर्नेंस सिस्टम में, और डायरेक्टिव क्या है एग्जामिन, यानी कि आपको सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों बताने। मैंने ये कई बार बताया है कि जब आप लेवल वन और लेवल टू ऑफ इंट्रोडक्शन अचीव कर लो, उस पर मास्टरी कर लो, तब आप लेवल थ्री पे जाओ, कोट यूज़ करना शुरू करो। जब आप लेवल वन और लेवल टू को अचीव कर लेते हो तब आप बहुत कंट्रोल्ड हो जाते हो अपने राइटिंग, तब आप एक्स फैक्टर पे जा सकते हो। अगर आप पहले ही दिन एक्स फैक्टर पे जाना शुरू करोगे तो आप डाइग्रेस हो जाओगे अपनी थीम से, अपनी डिमांड से। सो पहले आप बेसिक लेवल ऑफ चीज़ों को मास्टरी करो, तब कोर्ट पे जाओ। जो कि यहाँ पे आप देखो, कोर्ट का यानी कि एक्स फैक्टर का यूज़ करके इसने अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया है। अगेन बहुत ही अच्छे से डायमेंशन ऑर्गमेंट एग्जाम्पल फॉर्मेट में इसने अपने आर्टिकुलेशन को दिया। दूसरा क्वेश्चन डायरेक्टिव में क्या लिखा हुआ था, एग्जामिन, ये अदर साइड ऑफ द आर्गुमेंट भी डिस्कस कर रहा है, जहाँ पे ये बता रहा है कि क्या डिफरेंसेस हैं एंशिएंट और मॉडर्न टाइम्स के गवर्नेंस सिस्टम में। एंड देन अनिमेश कंक्लूडेड हिज आंसर। तो इस तरीके से अनिमेश ने आंसर लिखा, और आप इसके पियर का आंसर देखो। अगर मैं यहाँ पे ही आऊँ डिफरेंसेस, तो आप देखोगे इसके डिफरेंसेस से कोई भी क्लियर आइडिया नहीं मिल रहा। डिफरेंसेस, रूल ऑफ लॉ, जेंडर डिवीजन, कुछ भी आइडिया क्लियर नहीं आ रहा, आर्टिकुलेशन प्रॉपर नहीं है। अगर आप देखो जो सिमिलैरिटीज़ की भी बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन एज, क्लास, कास्ट, कुछ भी क्लियर आइडिया नहीं आ रहा। ऑल्सो यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिटी का आंसर लिख रहा है। सो ऐसे आंसर्स को देखते ही जो इवेल्युएटर है आपको बिलो एवरेज मार्क्स दे देगा, 2.5 नंबर, ठीक है। तो दिस इज हाउ आपको क्या करना है, अपने आर्टिकुलेशन को बेटर करना है, अपने इंट्रोडक्शन को बेटर करना है, अपनी कंक्लूजन्स को भी बेटर करना है, और अपने स्ट्रक्चर को बेटर करना है। अगेन एक जीवसन का क्वेश्चन लेते हैं और कंपेयर करते हैं एनिमेश की कॉपी और उसके दूसरे पीयर्स की कॉपी से। ये क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवैल्यूएट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। ये क्वेश्चन हमारे फुल एंड टेस्ट सीरीज का है, और अगर आप देखोगे तो सिमिलर ही क्वेश्चन UPSC में भी आया हुआ था 2023 के पेपर में, जो कि था कंसिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज लगाई होती तो आपको एक सिमिलर क्वेश्चन UPSC के एग्जाम में मिल जाता। तो अगर आप देखो तो इंट्रोडक्शन इसने अच्छा लिखा, अगेन अगर आप देखोगे तो ये डिमांड भी मीट कर रहा है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी और इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, राइट, दोनों डिमांड को मीट कर रहा है। उसके बाद आर्टिकुलेशन देखो, डायमेंशन और एग्जाम्पल और आर्गुमेंट के फॉर्मेट में है, ठीक है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि एक टॉपर को बाकी लोगों से अलग करती है, वो होती है उसकी क्लैरिटी आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बहुत क्लियर होता है, उसने 30 से 40 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को ब्रेनस्टॉर्म करके उसका स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क, थीम, डिमांड बहुत अच्छे से समझ लिया होता है, तब जाके वो लिखने जा रहा होता है। वो आपको यहाँ दिखेगा कि ये एक क्वेश्चन है जहाँ पे पूछ रहा है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बताओ ऑन फूड सिक्योरिटी एंड एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। अगर आप ये समझो तो फूड इनसिक्योरिटी बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकती है, ऑल्सो पॉवर्टी भी बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकती है, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बताओ कैसे हो रहा है पॉवर्टी और फूड इनसिक्योरिटी। तो आपको क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने की बात करनी पड़ेगी। अगर आप देखो तो अनिमेश ने यहाँ पे SDG 13 का मेंशन किया है, दैट इज क्लाइमेट चेंज एक्शंस, राइट। वहीं इसका पीयर जो है वो यहाँ पे SDG 1 और SDG 2 को एलिमिनेट करने की बात कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि लेवल ऑफ क्लैरिटी आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद बहुत क्लियर होते हो ना, तब आपका आंसर भी बहुत अच्छा होता है। और जब आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद सिर्फ लिखना शुरू कर देते हो, जस्ट पॉवर्टी देख लिया आपने और हंगर देख लिया और आपने SDG 1 SDG 2 कोड कर दिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चन की जो मेन थीम थी वो क्लाइमेट चेंज थी, क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड इनसिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज की वजह से पॉवर्टी, आपको क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने की बात करनी है, ना कि पॉवर्टी एंड हंगर को, राइट। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्लैरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी हम देखेंगे, ये हमने GS 1 देखा, अब हम देखेंगे GS 3 में कैसे अनिमेश ने बेटर परफॉर्म किया बाकी पीयर से, राइट। तो ये GS 3 का आंसर है,
इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया सक्सेसफुली प्रपोज 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स टू द यूनाइटेड नेशन. डू यू थिंक दैट देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग पुश टू मेक मिलेट्स एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फूड स्कीम. क्या मिलेट्स को गवर्नमेंट की फूड स्कीम का पार्ट बनाना चाहिए? तो अगर आप मिलेट्स को गवर्नमेंट की फूड स्कीम का पार्ट बनाने के लिए पुश करेंगे तो बेनिफिट्स तो होंगे ही होंगे, बट कुछ ना कुछ चैलेंजेस ज़रूर आएंगे. तो आपको यहाँ पे बेनिफिट्स और चैलेंजेस दोनों हाईलाइट करना. इंट्रोडक्शन आप देखेंगे तो इंट्रोडक्शन अच्छा है, ठीक है, इट्स अ गुड इंट्रोडक्शन. हेडिंग भी दी हुई है एज पर द टोन ऑफ द क्वेश्चन. येट हेडिंग इज ऑल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और एज पर द टोन ऑफ द क्वेश्चन. यहाँ लिखा हुआ है देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग पुश टू मेक मिलेट्स पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फूड स्कीम. उसके बाद इसने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं. अगर आप फिर से देखो तो इसका आर्टिकुलेशन हमेशा जो है वो बहुत अच्छे से आ रहा है. ये है डायमेंशन सब हेडिंग के फॉर्मेट में, उसके बाद इसने दिया अपना आर्गुमेंट एंड देन ही वेंट ऑन टू गिव एग्जांपल. डायमेंशन आर्गुमेंट एग्जांपल के फॉर्मेट में हमेशा अपना आर्टिकुलेशन दे रहा है. और ये प्रोसेस जो आपको देखने में आसान लग रहा होगा ना, इसको मास्टर करने के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है. तो यहाँ पे इसने बात की कि क्या बेनिफिट्स होंगे, बट ही मिस्ड ऑन द चैलेंजेस. तो चैलेंजेस बताना जरूरी था जो कभी कभी एग्जाम में हो जाता है. और उसके बाद इसने वे फॉरवर्ड बताया एंड देन ही कंक्लूडेड द आंसर. अभी हम इसकी कॉपी को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इसके पीयर्स ने कैसा लिखा. आप देखो इसका भी इंट्रोडक्शन ठीक है. नीड फॉर मिलेट पुश किस लिए इज नॉट गिविंग द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग. नीड फॉर मिलेट पुश फूड स्कीम कुछ क्लियर आइडिया नहीं मिल रहा है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको हेडिंग को प्रॉपर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाना पड़ेगा. ऑल्सो अगर आप देखें इसके पॉइंट्स कैसे हैं, लीनियर है, ठीक है. ये सही है कि जहाँ पे उसने आर्गुमेंट दिया और एग्जाम्पल दिया, ठीक है, ये सही है. इसको इस तरीके का फॉर्मेट बना के रखना था. अगर आप यहाँ देखो अगेन लीनियर वे में पॉइंट्स लिखते जा रहे हैं, ठीक है. तो इस तरीके का पॉइंट अगर आप आर्टिकुलेशन करोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. आपको हमेशा अपना आर्टिकुलेशन बेटर रखना पड़ेगा. आर्टिकुलेशन बेटर होने से क्या होता है कि आपका आइडिया बहुत प्रॉपर तरीके से कन्वे होता है. कभी कई बार ऐसा होगा कि आपकी GS3 की कॉपी कोई सोशियोलॉजी वाला चेक कर रहा हो, मे बी इट कैन पॉसिबल, वो आपके कंट्रोल में नहीं. तो उससे क्या होगा कि अगर आपका आर्टिकुलेशन बढ़िया है तो उसको बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी जो आपने अपनी कॉपी में लिखी हैं, तब आपको मार्क्स मिलेंगे. आप ये मत सोचिए कि उसको सब पता है, कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिखी और वो कन्वे हो जाएगा उसको. यू हैव टू राइट योर पॉइंट्स इन अ बेटर आर्टिकुलेशन और वो आपको मास्टर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सिक्योर बेटर मार्क्स, राइट. फिर से देखेंगे ये एक क्वेश्चन है. तो ये IMS की कॉपी का क्वेश्चन है. अगर आप क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन लिख रहा है कि इंडियाज वाटर क्राइसिस हैज रीच अ क्रिटिकल पॉइंट नेसेसिटेटिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर इफेक्टिव मिटिगेशन. यानी कि इंडिया का वाटर क्राइसिस के बारे में बात हो रही है और आपसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस पूछे जा रहे हैं एज पर द डिमांड, ठीक है. अगर आप इंट्रोडक्शन देखो तो डेटा बैक्ड है और ऑल्सो काफ़ी अच्छा आर्टिकुलेशन भी है इंट्रोडक्शन. और अगर आप ये चीज़ देखो, मैं इसको आप इसको डायग्राम भी बोल सकते हो, बट आप डायग्राम के साथ साथ एक चीज़ और देखने की अगर कोशिश करोगे तो वो है कि इसने काफ़ी सारे डेटा यहाँ डाले हैं. और ये डेटा आप सिर्फ और सिर्फ 9 या 11 मिनट में सोच के नहीं डाल सकते. आपको ये समझना पड़ेगा कि अनिमेश ने वाटर क्राइसिस पे काफ़ी अच्छे नोट्स बनाए होंगे कंसोलिडेट करके और उसको कई बार रिवाइज किया होगा, तब जाके ये यहाँ पे इसको डाल पा रहा. यानी कि नोट मेकिंग की स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और PYQ के बेस पे होनी चाहिए. ऑल्सो एक्सपेक्टेड थीम के बेस पे आपके नोट्स बने होने चाहिए, तब जाके आप ऐसा आंसर लिख सकते हो. वहीं इसके पीयर्स का अगर आप आंसर देखो तो वो कुछ ऐसा है. अगर आप ऐसा आंसर लिखोगे तो डेफिनेटली मार्क्स नहीं मिलेंगे. प्रेजेंटेशन वाइज भी नहीं मिलेंगे और स्पेस मैनेजमेंट वाइज भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. फिर से अगर आप देखो तो अगेन ये पॉइंट्स कैसे लिख रहा है, लीनियर वे में, ठीक है. आर्टिकुलेशन प्रॉपर नहीं है. वहीं आप अनिमेश की कॉपी का आर्टिकुलेशन देखो, पहले इसने डायमेंशन दिया, फिर उसने आर्गुमेंट और एग्जाम्पल दिया. एक चीज़ और, अगर आप अनिमेश की कॉपी में डायमेंशंस की डाइवर्सिफिकेशन को देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने इनोवेटिव सॉल्यूशंस में सबसे पहले डिस्कस किया है पॉलिसी मेजर्स, ठीक है, फिर कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, फिर सर्टेन स्टेप्स, एग्जाम्पल मेसन काकाटिया, जो कि किसी स्टेट का जो भी अगर सक्सेसफुल प्रोग्राम हो उसको मेंशन किया है इसने. उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बात की है, फिर वाटर ट्रीटमेंट के बारे में बात की है,
तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत है इसके डायमेंशन में। वहीं अगर आप इसके पीयर्स की कॉपी देखेंगे तो वहां क्या लिखा हुआ है, वाटरशेड मैनेजमेंट। तो यहां क्या लिखा हुआ है, वाटरशेड मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज, सिमिलर पॉइंट्स ही लग रहे हैं सिमिलर डायमेंशंस की। तो डायमेंशंस जब तक डाइवर्सिफाई नहीं होंगे, अगर आप एक ही पॉइंट को तीन बार में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कोड कर रहे हो तो डायमेंशंस आपके डाइवर्सिफाई नहीं होंगे और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू इम्प्रूव द डायमेंशंस ऑल्सो, आर्टिकुलेशन ऑल्सो, और स्पेस मैनेजमेंट भी अच्छा करना पड़ेगा, और अपने कुछ थीम्स पे डेटा को कंसोलिडेट करके रखना होगा ताकि आप एग्जैक्ट डेटा कोट कर पाए अपने आंसर्स में। वो आपको 7 या 9 मिनट में याद नहीं आने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो एक कॉपी इसकी GS2 की भी देख लेते हैं कि इसने कैसा लिखा है, फिर हम इस क्लास को एंड करेंगे। तो अगर आप देखें, क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग अपोजिशन लीडर इन लोकसभा। क्राइटेरिया क्या है अपोजिशन लीडर को रिकॉग्नाइज करने का, दिस इज डिमांड 1, ठीक है। और क्या रोल प्ले करता है अपोजिशन लीडर, दिस इज डिमांड 2। अगर आप इसके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को ही बस पढ़ें, फॉरगेट अबाउट जो इसने बीच में लिखा है, जो बीच में लिखा है अच्छा लिखा है, मैंने पढ़ा है, बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पढ़ें, कई कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पढ़ के ही मार्क्स दे देता है और आगे बढ़ जाता है। तो इंट्रोडक्शन भी बेसिक लेवल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो एक्स फैक्टर इसने दिखाया है, इसने कोड का यूज़ किया है टू स्टार्ट। मैंने आपको बताया कि आप पहले बेसिक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी को अचीव करें, उसके बाद एक्स फैक्टर पर जाएँ, ठीक है। तो वो यहाँ है। अगर आप कंक्लूजन को देखोगे तो यहाँ अनिमेश सिंपली समराइज नहीं कर रहा, ये इंडिया और UK के सिस्टम को कंपेयर कर रहा है अलॉन्ग विद द समरी, जिससे कंक्लूजन में एक वेट मिलता है और एग्जामिनर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पढ़ के ही इसको अच्छे मार्क्स अवार्ड करके आगे बढ़ जाएगा, फॉरगेट अबाउट द बॉडी में जो भी लिखा हुआ है। ऑल्सो अगर आप ये देखो, ये हर पेपर में अपने आर्टिकुलेशन को हमेशा डायमेंशन, एग्जाम्पल और आर्गुमेंट फॉर्मेट में लेके जा रहा है, DEA फॉर्मेट। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर GS2 और GS4 में अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और GS1 और GS3 में नहीं हैं, आपको अपने आर्टिकुलेशन को बेटर करना पड़ेगा ताकि आप GS1 और GS3 में भी बेटर मार्क्स ला पाओ। तो ओवरऑल हम क्या की टेक अवे ले सकते हैं अनिमेश की कॉपी से, ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो आंसर राइटिंग का रोड मैप होना चाहिए ना, वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा ये समझाता हूँ ताकि आपको बेटर क्लैरिटी आए कि जब भी आप अपना स्टार्ट कर रहे हो ना आंसर राइटिंग की जर्नी, जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी स्टार्ट करो। डोंट वेट फॉर 2 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर टू स्टार्ट योर फर्स्ट आंसर, जितनी जल्दी हो सके। जैसे अनिमेश ने पहले वीक में ही पहला आंसर लिखना शुरू कर दिया, इवन उसके पास तैयारी नहीं है तब भी, कंटेंट नहीं है तब भी, यू स्टार्ट योर आंसर, ठीक है। पहले मंथ में आप थीम डिमांड अप्रोच को मास्टर करना सीखो कि क्वेश्चन की थीम क्या है और क्वेश्चन की डिमांड क्या है। जब आप ये समझना शुरू करोगे कि डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उनमें थीम और डिमांड को आप कैसे पकड़ सकते हैं, तब जाके आपकी ये क्वेश्चंस को समझने की जो टेंडेंसी होगी, क्वेश्चंस को समझने की जो एबिलिटी होगी, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ये समझने के बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस फ्रेमिंग की साइकोलॉजी क्या होती है और इवैल्यूएटर की साइकोलॉजी क्या होती है जिससे वो मार्क्स अवार्ड करता है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते ही लिखना शुरू कर देते हो बिना समझे कि क्वेश्चन की थीम डिमांड क्या है और जो मैं आंसर लिखने वाला हूँ इवैल्यूएटर उसको कैसे दिखेगा, क्योंकि मार्क्स तो इवैल्यूएटर को ही देने, तो आप लिखने से कम थोड़ा सा ये ब्रेनस्टॉर्म कर लो कि आपको लिखना कैसे है कि जिससे आपको मार्क्स ये बेटर मिले। तो आपको इसके बाद यहाँ पे आना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें समझने के बाद जब आप लिखना शुरू करोगे तो आपको अपने आर्टिकुलेशन को बेटर करना पड़ेगा। जैसे मैंने समझाया कि आपको हमेशा अपने आर्टिकुलेशन को ऐसा रखना होगा जिससे आइडिया कन्वे हो, ऐसा नहीं कि आप अपने पॉइंट्स में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स डाल रहे हो, जैसा कि ऊपर हमने कई एग्जांपल्स में देखा। तो आर्टिकुलेशन आपका डायमेंशन, आर्गुमेंट और एग्जांपल फॉर्मेट में होना चाहिए। इसको मास्टर करने के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है। डायमेंशन बहुत क्रिप्स होना चाहिए, डायमेंशन जितना क्रिप्स होगा, जितना एग्जैक्ट आइडिया कन्वे करेगा, उतना ज़्यादा आर्गुमेंट आपका छोटा होता जाएगा और आपके पॉइंट्स क्रिप्स और कंसाइज होते जाएंगे। इसको समझने के बाद आप नोट मेकिंग बनाते हो। नोट मेकिंग करना बहुत ज़रूरी है मेंस के लिए। आपको कुछ कुछ पॉइंट्स पे अपने नोट्स को बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि आप अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करके, वो डेटा फैक्ट्स को बार बार रिवाइज करके कॉपी में एग्जैक्ट डाल सको। जैसा कि हमने आपको अनिमेश की कॉपी में दिखाया भी कि कुछ कुछ चीज़ों के लिए उसके पास नोट्स बहुत कंसोलिडेटेड होंगे
अदरवाइज वो डेटा जो वो कोड कर रहा है कॉपी में नहीं कर पाएगा अगर उसने नोट कंसोलिडेट नहीं किए होंगे, क्योंकि ह्यूमंस की लिमिटेशन है, वो 7 या 9 मिनट में उतने डेटा सोच नहीं सकता अगर उसने एक जगह कंसोलिडेट करके उसको याद नहीं किया हो कई बार। तो आपको ये समझना पड़ेगा नोट मेकिंग। फिर जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाओगे तब आपको हम सिखाएंगे टॉपर्स की कॉपी कैसे एनालाइज करते हैं। अगर आपके पास कोई पैरामीटर्स ही नहीं है और सिर्फ टॉपर्स की कॉपी को देख रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा कि करना क्या है या रोड मैप क्या है कि पहले किस लेवल पर जाएँ फिर दूसरे किस लेवल पर जाएँ तब जाके आप टॉपर की कॉपी का जो लेवल है उसको अचीव कर पाओगे। तो जब आप इतने पैरामीटर्स सीख लेते हो ना तब आप टॉपर्स की कॉपी को एनालाइज करते हो। हम स्मैश मेंस में क्या करते हैं कि हम अपने स्टूडेंट को कोई भी कॉपी दे देते हैं टॉपर की। फॉर एग्जांपल मैंने 151 रैंक की कॉपी दे दी और मैंने बोला कि इस 41 रैंक की कॉपी से कंपेयर करके बताओ बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स जो हमने आपको सिखाए हैं कि क्या दोनों में डिफरेंट है। जब आप एनालाइज करना शुरू कर देते हो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, राइट। फिर आप जब इतनी सारी चीज़ें सीख जाते हो ना तब अपने आंसर में जाओ और एक्स फैक्टर इंट्रोड्यूस करो, तब आपका एक्स फैक्टर ना काम भी आएगा आपके लिए। अदरवाइज अगर आप पहले ही एक्स फैक्टर लिखना शुरू कर दोगे, मैंने बहुत सारे बच्चों से मिला सर अलग कैसे करें कॉपी में, ये तो सिमिलर ही हो जाएगा, और अलग करने के चक्कर में कुछ ऐसा लिख देते हैं जो कि एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। कुछ इनोवेट करने के लिए पहले आपको बहुत ही कंट्रोल्ड वे में बेसिक चीज़ों को ग्रिप में लाना पड़ेगा, देन आप जाके एक्स फैक्टर का यूज़ करो, तब आप जाके कुछ अपने आंसर में इनोवेशन लाओ। और जब आप ये सारी चीज़ें अचीव कर लेते हो फिर हम क्या करते हैं कि आपके लेवल पे जो जो एस्पिरेंट्स हैं सेम लेवल पे उनका एक छोटा ग्रुप बनाते हैं और उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। मे बी आप लाइब्रेरी में जा रहे हो और आपके बगल में कोई बच्चा बैठता हो, आपका फ्रेंड हो और आप दोनों साथ में तैयारी कर रहे हो, बट यू नेवर नो कि आपका लेवल क्या है और उसका लेवल क्या है और आपके दोनों के डिस्कशन में आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, आपको एक बेटर पीयर ग्रुप देने के लिए हम क्या करते हैं कि इस प्रोसेस से जो गुजर चुका है और जो सेम लेवल पे आ चुका है उनका एक छोटा ग्रुप बनाते हैं और उनको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं ताकि पीयर ग्रुप लर्निंग बढ़ जाए। दिस इज हाउ यू इम्प्रूव, ये रोड मैप है आपका ताकि आप आंसर राइटिंग में अपने आप को बिगनर से टॉपर लेवल तक लेके जा पाओ और मेंस का जब एग्जाम देने जाओ तो एक कॉन्फिडेंट होके जाओ और अपनी प्रिपरेशन को इंटरव्यू प्रूफ बना पाओ। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सिविल्स डेली IAS।